हरियाणा के रतिया के पंजाब बॉर्डर पर गांव रतनगढ़ से कमाना रोड पर आज पुलिस को सूचना मिली कि मजदूरों से भरी हुई एक बस बीच रास्ते पर खड़ी है। पुलिस कर्मियों ने जब पूछताछ की तो मजदूरों ने बताया कि वे यूपी के हापुड़ जिला से आए हैं और पंजाब के जिला मानसा कोटफत्ता जा रहे थे, लेकिन रतिया के साथ लगती पंजाब सीमा पर उन्हें पुलिस ने रोक लिया। बस में करीब 100 सवारियां थी, जिसमें महिलाएं व बच्चे भी शामिल थे। मजदूरों का कहना था कि किसी बड़े जमींदार ने धान लगाने के लिए उन्हें बुलाया था। जब रतिया पुलिस प्रशासन ने जमींदार से बात की तो उन्होंने आने से मना कर दिया और जमींदार ने पुलिस प्रशासन को मजदूरों से फरी बस घर वापसी करने को कहा। बस में बैठे भूखे प्यासे मजदूर घर वापसी रवाना हुए। यूपी से बरेली, बरेली 70-80 सवारी माल से यहाँ यही रुके, बॉर्डर पे क्रॉस में उन दिया, फिर ये वापसी कर दिया बॉर्डर पे से। ये मैं ड्राइवर हूँ गाड़ी का, लेकिन ये सवारी को उन्होंने बुलाया था ठेकेदार ने, किसी ने। फैक्ट्री में जा रही है वापसी सवारी, फैक्ट्री में जा रही है किसी खेत वेत में। लोगों ने भेजा था वहाँ पे, तो हमने इन्हें लेके यहाँ आगे, तो हमें यहाँ से बॉर्डर क्रॉस नहीं कर दिया, तो हम इन्हें वापसी लेकर आ रहे हैं। हम इनसे सुबह से कह रहे हैं या तो वापसी चलो या अपने मालिकों को बुलाओ, हाँ तो ना वापसी जा रही है ना मालिकों को। थाने में गए थे और उन्होंने कहा भी एक बस आ रही है यूपी में जिसके अंदर 100 आदमी हैं और वो कोटफत्ता मानसा जाना चाहते हैं, जो कि बॉर्डर पंजाब पर उसको जाने से रोक दिया गया और वो रतिया की सीमा कमाणा मोड़ पर खड़े हैं। हमने आकर इनको पूछा भी आप कैसे खड़े हो, तो ये कहने लगे भी हम कोटफत्ता मानसा जाना चाहते हैं। फिर हमने कोटफत्ता मानसा जिनके पास इन्होंने जाना था उनसे बातचीत की, वो कहने लगे भी हम नहीं आएंगे, इनको वापस भेज दो, हम इनको अब वापस भेज रहे हैं। ये आ रहे हैं जी लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश और गढ़गंगा जिला हापुड़ से, ये जाना चाहते थे कोटफत्ता मानसा जी, ये जाना था लेकिन इसका जिनके पास जाना था वो लेने से नाट गया। हरियाणा के रतिया से तरसेम सैनी के साथ शामवीर, रिपोर्ट सच कहूँ। देश विदेश के तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें सच कहूँ और बेल आइकन प्रेस करके पाएं हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।